नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सहजन की फली का अचार, जो बिल्कुल ही नरम होती है, जिसमें बीज बड़े नहीं होते हैं। अगर आप तोड़े तो फट से ये टूट जाती है और बहुत ही नरम और मुलायम फली है। हम इसका अचार बनाएंगे। यहाँ पर हमने फली ली है, ये हो 200 ग्राम हमने यहाँ पर फली लिया है। फली को हमने अच्छी तरह से धो लिया है, सूखे कपड़े से इसे हमने पोंछ लिया है और इसे का आगे और पीछे का भाग हम काट देंगे, निकाल देंगे और इसे हम छोटे छोटे टुकड़े मनचाहे आकार के काट लेंगे। इस तरह हमने इसका आगे का भाग काट के निकाल दिया है और पीछे का भी अभी हम इसको भी काट देंगे। यहाँ से 1 इंच के हम टुकड़े काटेंगे, 1 से 1.5 इंच के। देखिए कितने आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी सहजन की फली कटी, क्योंकि बहुत ही मुलायम है ना, बहुत ही कच्ची फली ली है हमने, बिल्कुल छोटी छोटी पतली सी। इस तरह हमने सहजन की फली को काट लिया है। इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसे एक जार में भर के रख देंगे 3 दिन के लिए। नमक को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और एक जार में, जार को हमने विनेगर से धोया है, इसको हम भर के रख देंगे 3 दिन के लिए। यहाँ पर हमने विनेगर या सिरका लिया है 3 से 4 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और यहाँ पर मेथी और जीरा का पाउडर लिया है भुना हुआ 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, यहाँ सरसों लिया है पीला वाला 1 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो गैस को हम बंद कर देंगे। तेल में हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। जो हमने फली लिया था 3 दिन पहले, इसमें नमक डाल के रखा था, अब इसे हम बर्तन लेंगे, उसमें हम ये फली डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे मेथी और जीरा का पाउडर 1/2 चम्मच, यहाँ पर हमने पीली वाली सरसों लिया दरदरा पीस लिया है, हमने 1 चम्मच पाउडर डाल दिया है। नमक हम 1 चम्मच डालेंगे स्वाद के अनुसार, पहले भी डाला इसलिए कम डालेंगे, और जो हमने तेल गरम करा था उसमें हल्दी और मिर्ची डाला था वो भी अब हम डाल देंगे। हमने डाल दिया है और जो विनेगर लिया है 3 चम्मच हम विनेगर डालेंगे, इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तीन दिन बाद ये खाने लायक बिल्कुल अचार हमारा तैयार हो जाएगा। अगर ज़्यादा दिन हमें स्टोर करना है इस अचार को, तो हमें तेल गरम करके ठंडा करने के बाद इसको पूरा कांच का जार हम तेल से भर देंगे। इससे अचार हमारा ख़राब नहीं होता और काफ़ी समय तक चलता है। अगर आपको हमारा सहजन की फली का अचार पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।